बहुत मेहनत की है क्रिटेर भाई, बिहाइंड द सीन व्लॉग है। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? हेलो, नमस्ते, जय जवाहर, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो अपनी जो कार है ना, लगभग 11 साल पुरानी हो चुकी है। 2010 की ये मॉडल है, एक्चुअली 2009 की मॉडल है ये, लेकिन 2010 में परचेज किए थे 10 जनवरी को, ऑलमोस्ट 8 जनवरी है आज तो वो गया है। और इसके पार्ट जो है ना, एक्चुअली में दिक्कत हो जाता है, मिलता नहीं है। तो जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले लास्ट वीडियो में देखो, मड फ्लैप ऑर्डर किया था, मड गार्ड जो बोलते हैं, ऑफलाइन कुछ मिलता नहीं है, या तो शोरूम में भी जाओगे तो ऑर्डर कराना पड़ता है। तो मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था, दो दिन में आ गया अमेजन प्राइम की वजह से। तो मैं लगा सकता था इसको, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है थोड़ा काम से। तो यहीं घर के पास ही आ गया था मैं ये मड फ्लैप लगाने के लिए। और ये जो कॉम्बिनेशन एक्चुअली अभी फिट नहीं हो रहा था, ऐसा करके बोले थे, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे करके देखे तो ये लग रहा है। तो सामने लगेगा इस तरफ ऐसे, और बाकी एक और है पीछे लगेगा ये सब, इस तरह का मतलब है। और ये जो लाइनर है ना, ये भी ख़राब हो गया है, इसको भी पता क्यों दुकान में सामने वाला, तो वो बोल रहे कि है मिल जाएगा करके, थोड़ा कॉस्टली है। क्योंकि मैं पहले बोला ना, ये गाड़ियाँ जो है ना 11 साल पुरानी हो गई, तो उसका जो पार्ट्स है वो ऑफलाइन मिलता नहीं है, ये पार्ट्स में नहीं आता है, एसेसरीज में आता है। खैर, जुगाड़ किया हूँ, देखता हूँ अभी थोड़ा पूछ के। ये भैया है ओनर यहाँ के। एक्चुअली क्या है, अभी जो पता करने गया था मैं, अंदर का फेंडर लाइनिंग बोलते हैं वो नहीं मिल रहा है। तो मैंने ऑनलाइन देखा उसको, तो ऑनलाइन मिल रहा है वो, इस तरह से आता है फ्रंट लाइनर, फेंडर बोलते हैं इसको ये। अरे उसमें नहीं, नहीं ये इसमें आ रहा है प्रॉब्लम, ये जो है ना, नहीं वो नहीं देख रहा, उसको चक्का काट रहा है। तो आज का ये डेली व्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा, डेली व्लॉग तो नहीं है, एक एक दो दिन के गैप में आ रहा है, लेकिन चलता है, जब भी टाइम मिल रहा है तो मैं बना रहा हूँ वीडियो। कई लोग बोल रहे होंगे कि इतने मतलब ओल्ड फैशन का कार क्यों चलाते हो भाई। ऐसा है ना कि अपने पास बजट नहीं है, फिर नया गाड़ी ले लेते, लेकिन इसी से काम चल रहा है अभी, बहुत अच्छा है कंडीशन इसका। 77,000 कुछ चला होगा इसमें, जब 11 साल में सोचो, ज़्यादा चला भी नहीं है और कंडीशन भी सही है, तो क्या दिक्कत है। थोड़ा सस्पेंशन के इधर उधर है, वो सेट करा लेंगे अपन शॉकअप वगैरह, बाकी कंडीशन अच्छी यार, डेली सिटी में चलने के लिए अच्छा है। एवरेज भी लगभग 15-16 का देता है। के सीरीज इंजन था उस टाइम, अपग्रेड हो गया था जो जेन स्टीलो से हो के ये स्टीलो में आया था, जेन का इन निकल गया है, खाली स्टीलो मॉडल में आया था। LXI मॉडल था, ये टॉप मॉडल भी नहीं था, VXI टॉप मॉडल आता था इसका, वाइपर वाला। उस टाइम ये भी काफ़ी कॉस्टली था, 3.5-4 लाख कुछ पड़ गया था। अभी के डेट में तो 8.5 लाख में अच्छी कार आती नहीं है, मतलब अच्छा बजट वाला अगर गाड़ी लेना है, व्हील बेस वाला और थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस वाला, तो मारुति सुजुकी का वही आता है 8 लाख में। रोड कंडीशन जो सिटी वगैरह में चलाते हैं ना, तो ठीक है ये, बाकी ऑफ रोड वगैरह में दिक्कत जाता है। और इंडिया रोड तो जानते हो कितने गड्ढे रहते हैं, थोड़ा सा गांव वाले रोड में जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाता है। क्या करेंगे, अभी बजट नहीं है ना, बजट आएगा तो फिर अपन लेंगे, अच्छा वाला कार लेंगे, एकदम SUV लेंगे, ये सब छोटा गाड़ी नहीं चाहिए। लेकिन इसको नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये भाई मतलब अपने गाँव में जब जाते हैं ना हम लोग, गली में घुसाते बन जाता है, तो ये छोटी कार बहुत ज़रूरी है। है ना ये मतलब ये पोर्शन पूरा घर 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 बजते रहता था, जब भी मतलब गाड़ी चला, गाड़ी खड़ी है तो वाइब्रेशन की वजह से घर घर बजता था, उसको भी फिक्स कराया। तो छोटे छोटे काम है जिसको मैंने फिक्स करा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा काम बाकी है, फिर चलते हैं आगे, हॉस्पिटल जाना है, वहाँ से फिर नया रायपुर जाना है 3:30 बजे के आसपास, तो बताते हैं क्या सरप्राइज़ है उसमें। अभी आधा घंटा तो मुझे हॉस्पिटल में लग जाएगा लग रहा है। तो ये भैया है आज, चिंतावनी भैया, नमस्ते नमस्ते। जस्ट हॉस्पिटल से अभी आया और ये कुछ था, चलो भैया आगे निकलो मैं आ रहा हूँ, ये कुछ था नारायणा हॉस्पिटल में, वो सर्टिफिकेट वगैरह बनाना था, काम तो हुआ नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग गया। तो अभी चलते हैं, भैया का वीडियो शूट करते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया 10 मिनट, 4 बजे का टाइम था और 4:10 हो रहे हैं, कोई नहीं चलते हैं। वहाँ भी टाइम लग गया, थोड़ा सा फिटिंग ठीक से किया नहीं उसने मड फ्लैग का, उसके लिए मैंने बहुत चिल्लाया उसको, पैसा ले रहे हो काम भी नहीं करते करके, तो मैं बोला चलो छोड़ो अब मेरे को जल्दी जाना है, लेट हो रहा करके मैं जल्दी आ गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता भाई, यहाँ पे गाड़ी खड़ा कर दिए हैं और मतलब वन वे हो जाता है, और टू लेन है लेकिन वन वे हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेस्टोरेंट। हेलो लुजना मैम, हेलो हेलो हेलो, अरे वो भैया का वीडियो शूट करने जा रहा हूँ नया रायपुर, कैसे हो, बड़े दिनों बाद।
जयपुर जा रहे हैं शूट करने। चिंतामणि जयपुर बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ हाँ अच्छा चलो 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 चलो। लुजीना मैम है फोटोग्राफर। अरे सर लॉक तो खोलो हम लोग क्या। अच्छा सॉरी 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 यार हड़बड़ी भी होने एक्चुअली में। एक्चुअली का पूरा सेटअप है ना कैमरा मेरे का। हेलो आप लोग की गाड़ी किसने है। देखो आपसे एक बार सेल्फी लेना भूल गया था आज पूरा वीडियो बना रहा हूँ। मेरे साथ रहोगे ना। हाँ हाँ ऐसी होता है ऐसी मिलेंगे आपको जन्नत जन्नत जैसी चीजें मिलेंगी। तो कैसे हैं आप लोग कैसे हैं आप लोग बैकाल ट्रिक के बाद। यहाँ सब कोई मिल चुके हैं मिनिस्ट्री कैफे 3614 और सेलिब्रिटी एंड चिंतामणि जयपुरी सर। हम जा रहे हैं कहाँ नहीं दस्तानी बताते सब सीक्रेट है क्या बता दिया। रोकेंगे वो आप उनको इशारा करना थोड़ा आगे बढ़े। बे यार ये कहाँ से आ गए एक्टिवा वाला। बाइक में जो आप स्टाइलिंग देख रहे हो वो जरूर रेट्रो है लेकिन सारी टेक्नोलॉजी नई। ये है बाइक होंडा एनएस 350 जिस CB350 बोलते हैं इसको। डिलक्स प्रो वर्जन है। मैंने इसका बनाया था आपको मिल जाएगा आई बटन में आप चेक कर सकते हैं। भैया का वीडियो तो देखना ही है ना प्लीज और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। तो भाई यहाँ पे भैया का गाड़ी का रिव्यू हो गया है और मेरे साथ जो दोस्त लोग आए थे उन लोग उधर आए और हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे थे। एक्चुअली शाम होने वाला था ढलने वाला था एकदम इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी निपटाए। बहुत मेहनत की है बिहाइंड द सीन व्लॉग है हमारे आज का शूटिंग का। मैं पसीना पसीना हो गया और पूरा पूरा जैकेट पहने हुए। रितेश भाई मेरा हेल्प किया थैंक यू वेरी मच। और वीडियो आप यहां तक देख चुके हैं प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और सपोर्ट करिए ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। आवाज बढ़िया तो बैठना है क्या। रॉयल एनफील्ड में ऐसा नहीं है इसमें एकदम स्मूथ है और लाइट वेट है एकदम लाइट 181 kg का। चलो बैठो वहां तक। तो यहाँ पे खूबसूरत लोकेशन में हम लोग थे यहाँ पर और गाड़ी का रिव्यू करने के लिए आए थे भैया का। तो हमारे साथ लुजीना मैम कैसा एक्सपीरियंस किया। लगभग एक घंटे से वहाँ थे कैसे किए थे सनसेट देख रहे थे। चलो बढ़िया लोकेशन में होने के फायदे नहीं वहाँ पे शूट किया ना हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अच्छा और ये भैया हैं गाड़ी के साइड कर रहे हैं चला के देख रहे हैं सागर मिनिस्ट्री कैफे। अच्छा अच्छा मिनिस्ट्री कैफे ओके। और दो भाई और थे वो उधर चले गए पैदल वॉकिंग करते हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था यहाँ पे। बस हम लोग भी थोड़ा चिल करते हैं 5-10 मिनट यहाँ पे बात करते हैं एक दूसरे से फिर हम लोग भी चलते हैं वापस। तो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो भैया ने वैसे ही एंड कर दिया है। तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बस बाय बाय। कैसा लगा गाड़ी